नमस्कार। सो आज गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले शायद काफी लोगों के लिए गुड न्यूज भी है और कुछ लोगों के लिए चिंता का विषय भी है। चिंता तो सिर्फ इसलिए है कि जो लोग ये सोच रहे थे कि बच्चे, कभी कभार क्या होता है, जब फीस ज्यादा होती है तो थोड़े से कम मार्क्स से बच्चों को भी एडमिशन मिल जाता है, और इस वजह से केरला में लास्ट ईयर कुछ प्राइवेट कॉलेज की गिर गई थी और कुछ प्राइवेट कॉलेज मॉपअप में भी चले गए थे। क्वेश्चन अक्सर क्लाइंट कहते हैं, मैं कहता हूँ अरे केरला मॉपअप तो नहीं जाएगा। नहीं सर, लास्ट ईयर तो गया था। ये जब हम केरला की बात कर रहे हैं तो हम बात करते थे हमेशा 6-7 लाख रुपीस वाले फीस की। अगर आप 12-13 लाख रुपए फीस दे रहे हैं, फिर आप केरला तक क्यों जाएंगे? अगर आप एक नॉर्थ इंडियन है, आपका काम तो यूपी हरियाणा वगैरह में भी हो जाएगा। एनीवे, सो फाइनली केरला जो कि सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करा लेता है 4 महीने पहले, एक बार दोबारा भी खोला था, अब सीधा उन्होंने चॉइस फिलिंग लॉन्च कर दी। और अभी हम बात कर रहे हैं तो चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। इस वीडियो में मैं आपको छोटा सा डेमो भी दिखा दूंगा अपने किसी क्लाइंट का लेके, और डेट्स बताई है उन्होंने कि 24 से लेकर 29 तारीख तक चॉइस फिलिंग करनी है। 2 तारीख को वो लोग अलॉटमेंट की लिस्ट दे देंगे, फिर 3 से लेकर 7 तारीख तक ज्वाइनिंग टाइम है अलोकेटेड कैंडिडेट का द कॉलेज कंसर्न। आपको ध्यान रखना है कि आपको सीधा कॉलेजेस में जाना है जिसको भी अलॉटमेंट मिल जाएगी। फीस उनको ऑनलाइन मोड में देनी है, जो कि आपके अलॉटमेंट लेटर में लिखा होगा, ठीक है। और ऑफ कोर्स एमबीबीएस बीडीएस दोनों चीजें हैं। उन्होंने ब्रेकअप दिया है जो उनके पास सीट्स के हैं, और हम जानते ही हैं कि बहुत छोटी सी ऑल इंडिया मेरिट होती है केरला में। तकरीबन जो टोटल सीट्स है केरला के प्राइवेट कॉलेज में, उसकी खाली 10% ही ओपन होती है। अब हमेशा ओपन स्टेट है ही, लेकिन सिर्फ 10% सीटें होती हैं जो कि केरला के बाहर वाले को मिल सकती हैं। अदरवाइज बहुत सारी रिजर्वेशन होती हैं और उसी के अंदर मोस्ट ऑफ द सीट्स खत्म हो जाती हैं। मैं प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहा हूँ, उसमें तो हमें पता ही है कि 85% स्टेट और 15% ऑल इंडिया कोटा। जो प्राइवेट कॉलेज की सीट्स भी हैं वो भी तकरीबन 10% ही, मतलब रफली स्पीकिंग 200 के आसपास है जो कि केरला के बाहर वालों के लिए एलिजिबल होती है। गवर्नमेंट की फीस हम जानते ही हैं। ये देखिए जो गुड न्यूज क्या है, जो प्राइवेट एमबीबीएस की फीस है वो बिल्कुल कंट्रोल कर दी गई है, और तकरीबन सभी कॉलेज की फीस 7 लाख रुपए पर ईयर से कम है। शायद एकमात्र स्टेट जहां पर आपकी जो एमबीबीएस है और वो जो ओपन भी है, और आपकी 4.5 साल सब मिला मुल्क के भी 45 लाख तक में कर सकते हैं या 42 लाख में, वो केरला हो जाता है। तो यहाँ 40 लाख हॉस्टल मिला के सारे देखिए कॉलेजेस हैं, और जिनका अभी लिखा आ रहा है नॉट येट फिक्स्ड, आप सोच समझ के फैसला कीजिएगा, और उसकी चाहे तो चॉइस में नीचे रखिएगा, चाहे अभी मत भरिएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द फीस आ गई है। और जब हम चॉइस फिलिंग करते हैं तो यही फीस वहां भी लिखी आ रही है। कह रहे हैं कि फीस 20 लाख रुपये पर ईयर है, तो लेकिन जैसा हम देख रहे हैं कि मोस्टली कॉलेज की फीस 7 लाख रुपये पर ईयर से कम है। अब डेंटल कॉलेज तो कोई केरला जाएगा नहीं, लेकिन फिर भी उसकी फीस 3 लाख रुपए है। अब गूगल फीस की वो बात कर रहे हैं कि जिसको भी अलॉटमेंट मिल जाएगी वो 3 लाख रुपए, और एनआरए कोटा वाले को 5 लाख रुपए आपको तुरंत रिमिट करने हैं कमिश्नर फॉर एंट्रेंस एग्जाम, जो ये सीई की वेबसाइट है। डेंटल जिसको सीट मिलेगी उसे 1 लाख रुपए देना है ऑनलाइन माध्यम से। सरकारी सीट वालों को पूरी फीस पे कर देनी है, वो वैसे 25,000 रुपए है। अब आइए सबसे बड़ी बात, स्पेशल अटेंशन, खासकर ये वाला। मैं पहले पहले मैं दूसरा दिखा दूं, द अलॉटमेंट ऑफ कैंडिडेट्स हु डू नॉट टेक एडमिशन विल बी कैंसल्ड एंड सच कैंडिडेट्स विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर सब्सिक्वेंट फेज ऑफ अलॉटमेंट। जिसको आसान भाषा में बोले तो केरला में भी मध्य प्रदेश की तरह, छत्तीसगढ़ की तरह फ्री एग्जिट नहीं है। देखिए ये आपसे बहुत मोटे लाख 2 लाख डिपॉजिट नहीं ले रहे, लेकिन अगर आपको सीट अलोकेट हुई और आपने नहीं ली, फिर आप राउंड 2 में बैठ नहीं पाएंगे। एक्सरसाइज का पर्पज यही होता है कि सीरियस लोग ही चॉइसेस भरे, ताकि आप काउंसलिंग कमेटी का टाइम वेस्ट ना करें और काउंसलिंग जल्दी से जल्दी खत्म हो। कैंडिडेट शुड रजिस्टर ऑप्शन 2 इन ऑल द अवेलेबल कॉलेजेस इन दिस फेज ऑफ अलॉटमेंट टू इन विच दे विश टू ज्वाइन। न्यू ऑप्शन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी विल नॉट बी अलॉटेड फर्दर सेंट्रलाइज अलॉटमेंट प्रोसेसेस अनलेस न्यू कॉलेज आर इंक्लूडेड। इस लाइन का मतलब भी समझिए, लाइन का मतलब ये है कि हम ये सोचें कि अभी हम 2 में ही भर देते हैं,
फिर हम दोबारा बाकी कॉलेज में डाल देंगे, तो वो भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि तो आप पैस की लिस्ट को दोबारा नहीं चेंज कर सकते। सो मोस्ट ऑफ दी केसेस आपको चॉइस दोबारा करने की इजाजत देते हैं, कुछ कुछ तो फोर्स करते हैं, राइट। बिरला बल्कि ये कह रहा है कि जो आप राउंड वन में चॉइस फिलिंग कर दोगे वही आपकी परमानेंट रहेगी, तो अगेन वेरी बिग डिफरेंस। बाकी सभी स्टेट्स दोबारा चॉइस फिलिंग अलाउड करते हैं, और जैसा मैंने कहा कुछ तो फोर्स करते हैं कि आपको दोबारा भरनी पड़ेगी। ये कह रहा है कि एक बार जो भर दी वो आप कॉलेज ऐड नहीं कर पाओगे, आपको जो भी करना है अभी करना है। न्यू ऑप्शन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी विल नॉट बी अलाउड। रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी का मतलब क्या है? वो इसलिए है क्योंकि आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से काम कर रहे हैं, तो आपको एक थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं और एक फैसिलिटी जो है वो क्यों आ रही है, राइट। दो कैंडिडेट्स को रिजल्ट्स इन रैंक लिस्ट हैव बीन विथहेल्ड ड्यू टू रीजंस ऑल्सो रजिस्टर द ऑप्शन सबमिटेड बाय सच विल बी कंसीडर ऑफ कोर्स वंस दे क्लियर द डॉक्यूमेंट। तो ये सब हो गया, ये स्पेशल अटेंशन थी। आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। होम पेज पे जब आप जाते हैं तो ये आपको नजर आ रहा है, अपना एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड एक्सेस कोड यही होता है कि आप डालेंगे, लॉग इन करेंगे और आप पहुंच जाएंगे जहां पर आपको लेफ्ट हैंड साइड पे चॉइसेस नजर आ रही हैं, उनको आप सिलेक्ट करेंगे वो राइट हैंड साइड पे आ जाएंगी। और जैसा कि उन्होंने क्लियरली कर दिया है कि आपको एक ही बार चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिल रहा है, तो आपको सारी भरनी पड़ेगी, और वो स्ट्रेटजी नहीं चलेगी कि मैंने कुछ भरा कुछ नहीं भरा। तो आपने कुछ नहीं भरा वैसे भी आप ब्लैंक हो जाओगे, राइट। तो ये बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन है केरला में, जो खासकर ये इन्होंने स्पेशल अटेंशन के माध्यम से आपको बताया है। धन्यवाद, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।